हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप? अब कल मैंने वादा किया था कि मैं या तो आज वीडियो बनाऊंगी डिटेल में या फिर कल। हालांकि इस वक्त बहुत लेट नाइट है, बट वादा किया तो निभाना पड़ेगा। इसलिए मैं देर से ही सही आपके लिए डिटेल वीडियो कल की ही चैनलिंग की बना रही हूँ। बट जैसे कि एक साइकिल एंड हो रही है और एक न्यू बिगनिंग हो रही है, हमारा ये साल ख़त्म हो रहा है, एक नया साल शुरू हो रहा है। तो ये दिल मांगे रेस्ट, थोड़ा सा मन कर रहा है कि अब थोड़ा ब्रेक लिया जाए, थोड़ा आराम किया जाए। जब साइकिल एंड होती है ना, तो हम लोग मतलब कि हम लोग खूब काम करते हैं, तो बाद में हमें थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये टाइम एक रिपोर्ट कार्ड का होता है। बहुत लोगों के रिपोर्ट कार्ड्स आए हैं और मेरे तक भी पहुँचे हैं, और बहुत अच्छे रिपोर्ट कार्ड्स आए हैं। जैसे कि मैं बात कर रही हूँ साइकिल के एंड होने की और साइकिल की बिगनिंग होने की, तो यही रिपोर्ट कार्ड, यही चीज़, यही जो सिलसिला है, ये आपके डीएम के साथ भी हो रहा है कि उनकी भी लाइफ में एक साइकिल एंड हो रही है, एक साइकिल बिगिन हो रही है। ठीक है, आपके डीएम बिल्कुल एक एंडिंग की फेज़ में है, जहाँ पर कि वो जो कलेक्टिव की मैं बता रही हूँ पहले एनर्जी, तो कलेक्टिव में जो एनर्जी है आपके डीएम की, एंडिंग हो रही है उनके पेन की, एंडिंग हो रही है उनके स्ट्रगल्स की, उनके स्ट्रेस की, उनके हर्डल्स की, उनके कार्मिक सिचुएशंस की, उनके ऑब्स्टिकल्स की एंडिंग हो रहे उनके कार्मिक्स की। ये कलेक्टिव में एनर्जी है। और जिन लोगों को मैंने कल के वीडियो में कहा था कि सोल मर्जिंग आप फील कर रहे हो, तो डेफिनेटली ये एनर्जी हाई लेवल की डिवाइन फेमिनेंस की है, जिनकी सोल मर्जिंग बिल्कुल, जो कि आपने जो, जैसे कि मैंने बताया है कि आपने जो भी साल भर अपनी इनर वर्क से जो अपनी एनर्जी स्टोर करी है, वो उसकी ग्राउंडिंग का टाइम है, सोल मर्जिंग का टाइम है। आप सोल मर्जिंग आपको ड्रीम में फील हो रही है, 5D यूनियन का आपको 5D यूनियन होने वाला है, बहुत सारा 5D यूनियन सोल मर्जिंग आपको फील हो रही है, और ऐसे डीएम बिल्कुल आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपका कम्युनिकेशन आने वाला है, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, बहुत ही रिलैक्स्ड और लविंग एनर्जी में है, मिसिंग एनर्जी में है, ये कलेक्टिव में डीएम की एनर्जी है। अब मैं वीडियो की शुरुआत कुछ इस तरीके से करना चाहती हूँ कि जहाँ मैं बात बार बार बोल रही हूँ एंडिंग ऑफ द साइकिल एंड द बिगनिंग ऑफ द साइकिल, तो आप लोगों की फेथ का भी टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, जिन लोगों का ड्रीम स्टेट में रीयूनियन हो रहा है, 5D यूनियन बिल्कुल हो रहा है, 5D यूनियन बहुत लोगों के होंगे ही होंगे, 5D यूनियन या आपकी टेलीपैथी और ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है, या आपकी सोल मर्जिंग हो रही है, आप लोगों के मर्जिंग के बाद भी आपके फेथ का टेस्ट लिया जाएगा कि अभी भी आप कोई भी चीज़ ऐसी ट्रिगर कर दी जाए या दिखा दी जाए, और आप इतने जो एक, क्योंकि जो क्या साइन है जब आप सोल मर्जिंग जबकि हो जाती है, आप लोग बहुत ज़्यादा काम स्टेट में आ जाते हो, जो एक अजीब सा एक अंदर शोर होता है, एक अजीब सी पैनिक एनर्जी होती है। जब तक आपकी सोल मर्जिंग नहीं होती, आप काम नहीं होते, आप रिलैक्स नहीं होते हो। ठीक है, अब कितनी भी हाई लेवल की डिवाइन फेमिनिन बन जाओ, बट अंदर एक अनकहा सा वेट, एक अनकही सी इंतज़ार, एक कसक मैं समझ सकती हूँ, एक कुछ सवाल, कुछ हल्की सी भगवान से शिकायत, हल्की फुल्की बीइंग आप बहुत बैलेंस हो, पर फिर भी एक कसक रह जाती है, जो जैसे ही आपकी मर्जिंग होती है और आपका पर्सन आपसे जब मर्ज होता है, आपको ड्रीम स्टेट में आके आपको प्यार करता है, कन्फेस करता है, एक ऐसी मीठी सी हीलिंग देके जाता है कि जितनी ये जो तड़प थी, कसक थी, बिल्कुल शांत हो जाती है, काम एंड कंपोज हो जाते हो आप। और जो आप कभी कभार गुस्सा हो जाते थे किसी भी बड़ी इंसिडेंट्स पे, सिचुएशन पे, आप सोचोगे कि यार मुझे गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है, मैं इतना काम होके, इतना रिलैक्स होके, कैसे मेरे में ऐसा ही बदलाव आ गया। ये वही बदलाव है जो आपका ट्विन फ्लेम
आपके ड्रीम स्टेट में या आपकी सोल मर्जिंग की प्रोसेस में, आपके 5D यूनियन की प्रोसेस में आपको हील करके गया, आपको काम करके गया। तो जिस वक्त ऐसा कोई ट्रिगर आए कि मर्जिंग हो गई, यूनियन भी हो गया, पर फिर भी आपको दिखाया जा रहा है कि वो तो थर्ड पार्टी में है, तो उस चीज़ को, उस ट्रिगर को ट्रिगर करते हैं लेना, मिसगाइड मत होना, क्योंकि वहाँ भी आपका फेथ का टेस्ट है। अब आप कहोगे कि जब हमारी मर्जिंग होगी तो वो थर्ड पार्टी में या वो सपोज किसी और जगह कैसे है? तो अभी जो 5D यूनियन हुई है वो बिल्कुल, इट्स अ 5D यूनियन मीन्स कि अब मेरे आने की तैयारी करो, उसकी ग्राउंडिंग 3D प्लेन में होगी। जैसे कल के वीडियो में मैंने कहा था कि जैसे कि आप लोग सेपरेट होते तो भी वो पहले इन्फॉर्म करते हैं और आने के पहले भी इन्फॉर्म करते हैं, तो आप अब अपनी तैयारी करो कि अब जब मैं आने वाला हूँ तो अपनी तैयारी करो, अपने सेल्फ लव पे फोकस हो जाओ, अपने आप को और मेंटेन करो, अपने आप को और सवारो, मेरे आने का इंतज़ार करो। मतलब इंतज़ार नहीं करना है, अपने आप में और अपने आप को उभारना है, वो सारी चीज़ें। अब अगर मैं कहूँ कि 5D यूनियन के बाद आपको कोई मिसगाइड किया गया है, सपोज़ कि थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी, कोई उनकी कोई पार्टनर या पेरेंट्स या काम, तो इस वक्त जो मेन एनर्जी है कि दे आर ट्राइंग, दे आर प्रैक्टिसिंग बैलेंसिंग, दे आर प्रैक्टिसिंग सेल्फ लव, दे आर ट्राइंग टू बैलेंस द सिचुएशन। अब सपोज उनको आपके पास लौट के आना है, बट बैलेंसिंग तो यही होती है कि हमें हर जगह माहौल में किसी को भी ट्रिगर करके नहीं आना है। अगर उनके, अगर आपके पेरेंट्स, आपके डीएम के पेरेंट्स अगर सपोज इस रिश्ते को हाँ पसंद नहीं कर रहे या अग्री नहीं कर रहे हैं, तो उनके साथ भी एक ऐसे इस प्रकार से सबको, सबकी रजा में राजी होके एक एक कहते हैं ना, एक डिसीजन लेना है, पेशेंस रखना है, सब जगह चीज़ें सॉर्ट आउट करनी है, सेटल डाउन करनी है, ठीक है। अगर फाइनेंशियली उनकी, उनका काम थर्ड पार्टी है, तो वहाँ भी बैलेंसिंग करनी है कि अच्छे तरीके से अपने आप को पहले स्ट्रॉन्ग कर लें, सेटल आउट कर लें, ठीक है। थर्ड पार्टी का ट्रिगर किसी, कोई गर्लफ्रेंड या इस प्रकार से था किसी दूसरे पर्सन का, तो वहाँ भी चीज़ें काम डाउन करके एक अच्छे नोट में उस कनेक्शन को, उस रिश्ते को, उसको ख़त्म करके स्मूथली आपके पास आना है। तो अब आप ये देखिए कि आपके डीएम क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, बैलेंसिंग, जो आप पूरे टाइम से, पूरे साल भर से इनर वर्क पे सीख रहे हैं। दे आर प्रैक्टिसिंग बैलेंसिंग, दे आर प्रैक्टिसिंग सेल्फ लव, दे आर ट्राइंग टू डिटैच फ्रॉम द थिंग्स दैट आर नॉट सर्विंग देम। आपसे इमोशनली कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, आपको कमिटमेंट कर देना चाहते हैं, वो थोड़े बहुत अगर अपसेट्स भी चल रहे हैं तो इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। बट बेसिकली सोल मर्जिंग का मतलब यही है कि अब आपको फेथ करना है कि, और हाँ, जिन लोगों की सोल मर्जिंग हो चुकी है या आप ड्रीम स्टेट में 5D यूनियन हो चुका है, आपकी टेलीपैथी अब और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। यहाँ पर कुछ ऐसी DF भी हैं जो कि जिनकी न्यू अवेकनिंग हुई है। अगर आप वेटिंग की एनर्जी में हो, अगर आप पैनिक की एनर्जी में हो, आपको अभी भी आपके जो टेस्ट एंड ट्रिगर्स चल रहे हैं, आपकी सर्चिंग ऑफ योर आंसर्स, अभी ये जर्नी पूरी नहीं हुई है, आपके टॉक्सिन्स अभी भी हैं, आप उनको क्लेंस कर रहे हो, तो बिल्कुल आप पैनिक एनर्जी में आ सकते हो। ये हैवी एनर्जी सिर्फ उन्हीं को लग रही है जो न्यू बिगनिंग में है, बाकी किसी को हैवी एनर्जी नहीं लग रही है। और अगर जो न्यू अवेकनिंग के अलावा जो मिड अवेकनिंग में है या जिनको लग रही है, मतलब आपने इनर वर्क ठीक से नहीं किया है, मार्क माई वर्ड। हैवी एनर्जी का तो सोल मर्जिंग के बाद चांस ही नहीं होता है, सिर्फ उनको लग रही है जिन्होंने इनर वर्क ठीक से नहीं किया है। आपको समझने की ज़रूरत है कि अगर आप उनको मिस कर रहे हो, आप उनके लिए ऑब्सेस्ड हो रहे हो, आप पैनिक हो रहे हो, तो प्यार मतलब क्या होता है? प्यार मतलब हमें उनकी एनर्जी चाहिए। अब आपको मैस्कुलिन की एनर्जी क्यों चाहिए? क्योंकि आपके अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी डिसबैलेंस है, राइट? ये केमिस्ट्री समझ गए, जर्नी बहुत जल्दी इजी हो जाएगी। ये केमिस्ट्री कहीं आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि ये चीज मैं चैनल पे आप लोगों को फर्स्ट टाइम बता रही हूँ।
प्यार मतलब एनर्जी, एनर्जी तो हमको एनर्जी चाहिए, हम भागते हैं मैस्कुलिन की तरफ। मैस्कुलिन तरफ क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि आपकी इंटरनल केमिस्ट्री डिसबैलेंस हो रही है। तो अपने अंदर अपने मैस्कुलिन साइड को एम्ब्रेस कीजिए, देखना आप उनको मिस करना बंद कर देंगे, बैलेंस हो जाएंगे। और वो कैसे होगा? डेफिनेटली सिस्टमेटिक, ओरिजिनल सिस्टमेटिक इनवर्क से, जहाँ इतने लोग हुए हैं न्यू अवेकनिंग्स, आप भी होंगे, ठीक है? बिकॉज यू मस्ट नो दिस इज अ मिस्टिकल जर्नी, दिस इज अ मिस्टिकल कनेक्शन। तो ये सिंपली सिर्फ मिसगाइड होके ये जर्नी पूरी नहीं हो सकती, ठीक है? यू हैव टू बी सीरियसली टेक स्टैंड फॉर योर जर्नी, राइट? लेकिन ऐसे जो सब डीएफ्स हैं जिनकी जर्नी अभी ही ट्रिगर हुई है, आप रिसेंटली अवेकन हुए हो 3 to 4 months या इसी साल, आपकी मैस्कुलिन की एनर्जी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हो सकता है कि आपके मैस्कुलिन इस वक्त मल्टीपल रिलेशंस में हो सकता है कि आपके मैस्कुलिन थोड़े से टॉक्सिक बिहेव करते हो आपके साथ, या मैनिपुलेटिव हो या डिस्टॉर्टेड हो, क्योंकि अभी आपकी एनर्जी भी हील नहीं हुई है। तो ज़्यादातर हम लोग मिसगाइड यही होते हैं कि इन द बिगनिंग जब हम हीलिंग करते हैं, हमारा मैस्कुलिन एक्चुअली बिहेव्स लाइक टॉक्सिक पर्सन, बिहेव्स लाइक नार्सिसिस्ट पर्सन, तो हम सोचते हैं कि हम ये हमारा ट्विन फ्लेम है कि नहीं, या कोई और हमारा ट्विन फ्लेम है। तो यहीं हम जाके स्टेज वन में कन्फ्यूज होते हैं। यहीं अपनी कन्फ्यूजन को क्लियर करिए, वरना पूरी जर्नी आप कन्फ्यूज रहेंगे और जर्नी पूरी नहीं हो पाएगी। मार्क माई वर्ड, इन द बिगनिंग हमको लगता है कि हमारा ट्विन फ्लेम लिमरेंस है या नार्सिसिस्ट है या फॉल्स है, बिकॉज इन द बिगनिंग हम लोग खुद अनअवेकन्ड होते हैं, हमारी एनर्जी लोअर चक्रास में होती है, हमारे ऑरा में नेगेटिविटी होती है, हम कार्मिक सिचुएशन को ट्रिगर करते हैं अपनी लाइफ में, हम डिस्टॉर्टेड होते हैं, हम खुद ब्लेमिंग की एनर्जी में होते हैं, हम खुद पैनिक एनर्जी में होते हैं। तो हम ऐसे ही डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन को, या टॉक्सिक, हमारा मैस्कुलिन टॉक्सिक होता है, बट जैसे ही हम अपनी एनर्जी को शिफ्ट करते हैं, वो भी उनकी एनर्जी भी शिफ्ट होती है, ठीक है? अब आगे जो बीच में ऐसी डिवाइन फेमिनिन है जिनको ये लग रहा है कि मैं तो बैलेंस हूँ बट आई एम रनिंग फ्रॉम माई डिवाइन मैस्कुलिन, अब मुझे वो नहीं चाहिए, तो दिस इज़ अ वेरी सेल्फिश डिसीजन। मैंने कल की चैनलिंग में भी कहा था, आप यू आर रिक्वायर्ड टू हील योर हार्ट चक्रा, क्योंकि ये जर्नी पे आपको किसी ने चॉइस नहीं दी है कि अब मुझे नहीं चाहिए। ये जर्नी आपने खुद से मांगी भी नहीं थी, और ये जर्नी को आप खुद से, आपको कोई चॉइस नहीं दी गई है, ये जर्नी भगवान ने दी है। आपका एंड रिजल्ट भी भगवान ही डिसाइड करेगा, क्योंकि आप बैलेंस हो गए हो, तो अब आपको लगता है मुझे नहीं चाहिए, तो ये आगे आपको लाइफ में कई जगह प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, कि आपकी लाइफ में स्मूथनेस नहीं रहेगी, ठीक है? आपकी लाइफ में चीज़ें बैलेंस नहीं रहेगी, और आप अंदर से फ्रस्ट्रेट रहोगे, या मे बी आपकी अगर ग्रोथ होगी नहीं, और ग्रोथ हो रही है तो आप ग्रोथ को अंदर से एक्चुअली में इंजॉय नहीं कर पाओगे। मतलब लाइक पैसा कमा तो रहे बट मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि कुछ कमी है, राइट? तो आपका अगर हर चक्रा आपका ब्लॉक हो रहा है, मेरा जो मैजिकल यूनियन का मेडिटेशन है वो लीजिए और अपनी जर्नी को कंप्लीट कीजिए। बस यही कमी रह गई है, बस यू आर रिक्वायर्ड टू ग्राउंड योर सेक्रेट यूनियन। तो इंस्टेड ऑफ रनिंग फ्रॉम योर जर्नी, यू नीड टू ग्राउंड योर सेक्रेट यूनियन। बेस्ट पार्ट, जो लोग इस एनर्जी से वाइब्रेट कर रहे हैं इस चैनल पे, आपके आपको नहीं पता कि भले आप रन कर रहे हो अपने ट्विन फ्लेम से, बट आपके ट्विन फ्लेम की एनर्जी अब बहुत काम डाउन हो रही है। आपको भी हल्की फुल्की टेलीपैथी फील होती है, बट आप उसको इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि आप बैलेंस हो चुके हो। दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, वो जिस फेज में आप आगे बढ़ के बैलेंस हो गए हो, इसी फेज में आपके ट्विन फ्लेम दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कनेक्शन विद यू, बट अनफॉर्चुनेटली आप तो भाग रहे हो। वो समझना चाह रहे हैं, इन द फर्स्ट स्टेज डेफिनेटली उनको नहीं समझ में आता कि हम कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन जैसा हो सकता है, कुछ समथिंग वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, ठीक है? बट नाउ दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये कंडीशन, ये क्या है जो हम वी आर गोइंग थ्रू, ठीक है? बट जो लोग इस जर्नी पर रन कर रहे हैं,
आपकी ट्विन फ्लेम को से आप एक अपॉर्चुनिटी को आप मतलब लूज कर रहे हो कि जहाँ पर आप उनको गाइड कर सको कि जो वो जिस चीज़ से वो गो थ्रू हो रहे हैं, दिस इज़ अ वेरी सेक्रेड मिस्टिकल जर्नी एंड अ वेरी सेक्रेड मिस्टिकल कनेक्शन। ठीक है, एट लास्ट जो मैंने ऑलरेडी ऊपर बता दिया है, जो हाई लेवल की डिवाइन फेमिनेंस हैं, जो हाई लेवल की हैं, जिन्होंने बहुत हार्डवर्क किया है, इस टाइम ओनली टू ग्राउंड देयर हार्डवर्क, ग्राउंड देयर एनर्जीज टू द 3D। और ये बिल्कुल अगर आपका 5D यूनियन हो गया है या होने वाला है अपकमिंग मंथ्स में, बिल्कुल आप फेथ रखिए, बिल्कुल पेशेंस रखिए, आपका 5D यूनियन होगा और आपकी एनर्जी भी ग्राउंड होगी। क्योंकि इस वक्त अगर आप सोल मर्जिंग को फील कर चुके हो और आपकी टेलीपैथी एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल और ज़्यादा बढ़ जाएगी आपके पर्सन के लिए, आप एक बहुत ज़्यादा काम एनर्जी में आप फील करोगे, एंड आपके मैस्कुलिन का भी फेमिनिन एंड मैस्कुलिन साइड बिल्कुल बैलेंस हो चुका है, एंड दैट इज़ द रीज़न योर मैस्कुलिन इज मैनिफेस्टिंग यू नाउ। जिन मैस्कुलिन की मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी बैलेंस हो चुकी है, जिनने अपना कार्मिक पूरा सिचुएशन से क्लियर कर ली है, नाउ दे वांटेड टू कम्युनिकेट यू, और इसलिए चैनल पे बहुत से DMs लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं। फ्यू ऑफ यू विल गिव कमिटमेंट टू ऑल ऑफ यू, और इस साल की मेरी सबसे बड़ी शुभकामनाएं, दुआएं, प्रेयर आप सभी के लिए कि सभी के जो डिवाइन मैस्कुलिन, आप उनकी अवेकनिंग कंप्लीट हो, उनकी बैलेंसिंग कंप्लीट हो, सभी का यूनियन हो, सभी की सोल मर्जिंग हो, सभी की 5D और 3D और हर प्लेन में आपकी रीयूनियन हो, आपकी जर्नी कंप्लीट हो, सभी की हार्डवर्क का यूनिवर्स बेस्ट रिजल्ट दे। इसी शुभकामनाओं के साथ, इसी दुआओं के साथ मैं अपने वीडियो को यहाँ अंत करती हूँ। तो कब तक ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड गुड नाइट।